हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं ग्वालियर आ गई हूँ। रात को 1-1.30 बजे हम लोग फ्लैट में पहुँच गए थे। तो ये मैं श्रेय की ही फ्लैट में हूँ। ये ग्वालियर में, मेरा बेटा ग्वालियर में रहता है और यही इंजीनियरिंग कर रहा है CS से, और ये 3rd ईयर में है। ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ 3 बच्चे और रहते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अभी तो सब फिलहाल कॉलेज गए हैं। बच्चा यहाँ रहता है, यहाँ हम अपना बेड डाल के रखा हुआ है, क्योंकि एंट्रेंस में वहाँ सही बात है ठीक नहीं है, तो ये बढ़िया है। और ये है किचन, ये किचन है। एक आदमी वो खाना बनाता था, बट अभी प्रेजेंट में वो नहीं आता, तो अभी इन लोग का सब टिफिन आता है। तो मैं घर से कुछ कुछ सामान ले आई हूँ जैसे मुझे कुछ बनाना हुआ तो। और ये सब मैंने आज अभी थोड़ा साफ़ सफाई करवाई, बहुत गंदा था जब मैं आई थी, तो बाई से थोड़ा सफाई करवाई हूँ। अभी वो दोपहर को फिर से आकर के ये सब डिब्बे डिब्बे जो फालतू के हैं वो सब फेंकेगी। ये 2 बच्चे और रहते हैं, उनका रूम है, ये बेड पड़े हुए हैं। और मैं अब दिखाती हूँ आपको श्रेय का रूम। ये श्रेय का रूम है, ये एक अलमीरा रखी हुई है। ये खिड़की है, बाहर का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आता है। बालकनी है, ठीक है, अच्छा है फ्लैट। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है जहाँ रह रहे हैं ये लोग, तो मेरे को पसंद आया। हो गया, बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मा आप आती नहीं हूँ, और जब से छोड़ के गए तब से हम लोग आई नहीं कोई यहाँ। फर्स्ट टाइम है अकेले कहीं जाना, मतलब जैसे मैं जबलपुर से ग्वालियर पहले आने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि कभी अकेले मैंने सफ़र नहीं किया था, तो थोड़ा सा एक मन में ना डर सा था कि पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी, कैसे क्या मैनेज करूंगी। बिल्कुल आराम से मैं आ गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब बहुत अच्छा सा मैनेज कर लिया मैंने। मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सही में। मतलब अकेले सफ़र करने में ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब मुझे डर लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब मैंने कर लिया कि मैं अकेले आ गई। कभी कभी तो मेरे को अभी मेरे को विश्वास नहीं है मैं अकेली आ गई। श्रेय भी कह रहा था कल रात को, मम्मा आप आ गई, लग ही नहीं रहा कि आप आ गई। क्योंकि सही में किसी को विश्वास नहीं था कि मैं मतलब ऐसा कर लूंगी, अकेले चली जाऊंगी। अंदर से मन में मतलब मजबूत करके निकल ही जाती, देखूंगी जो होगा। लेकिन वो मतलब सच में बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे अंदर मन में एक इरादा बना लो ना कि हम ये कर लेंगे, तो तुम जरूर वो कर सकते हो, बस तुमको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। इसमें आपका साथ कोई नहीं देगा, वो आपको अपने अंदर से ही मजबूत बनना पड़ेगा। अभिषेक पता है स्पर्श पुष्पेंद्र, ओके पुष्पेंद्र, और सबका हो गया टेस्टी बना है कि बस ऐसे ही टिफिन से अच्छा है। बहुत अच्छा, अच्छा। और ले लेना हलवा वगैरह और है। तुम लोग सब किस ब्रांच के हो? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, मतलब सभी हैं। CS का कोई नहीं है क्या श्रेय के अलावा? पूर्वी, ओके ओके, चलो एंजॉय करो। हाय पूर्वी, बहुत देर से अपन लोग बात कर रहे थे, काफी अच्छा लगा। आप बताओ तुम किस ब्रांच की हो? मैं कंप्यूटर साइंस MITS पढ़ती हूँ। श्रेय की फ्रेंड हो, क्लासमेट हो? क्लासमेट, ओके ओके। तो चलो तुम भी खाओ, चले आंटी। चलो हम लोग भी अब लंच कर लेते हैं, फिर निकलेंगे कहीं घूमने के लिए श्रेय के साथ। फिर मिलती हूँ, ओके बाय।